नमस्कार साथियों, यस के एक्सीलेंस ट्यूटोरियल में आप सभी का स्वागत है। साथियों, आज हम लोग 10th क्लास का मैथ डॉक्टर मनोहरे के बुक से प्रश्नावली 7B का क्वेश्चन नंबर 15 और 16 का सॉल्यूशन देखेंगे, 16 का और 15 का हल देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 15 है कि बिंदु A के निर्देशांक ज्ञात कीजिए, जहाँ AB एक वृत्त का व्यास है जिसका केंद्र 2 - 3 है तथा B के निर्देशांक 1, 4 हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे दोस्तों। और इससे पहले के जो भी क्वेश्चन है, यानी कि 1 से लेकर 7B का 1 से लेकर 14 तक, ठीक है, उसको जो हम बता चुके हैं, तो आप लोग जो है प्लेलिस्ट में इसको देख सकते हैं। ठीक है, तो प्लेलिस्ट में आप लोग जाके देख लीजिएगा बाकी की क्वेश्चन और उनको सॉल्व कर लीजिएगा। और जो है फिर अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 15 देख लेते हैं। तो आइए देखते हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग हल। ठीक है, और हल में सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि एक वृत्त बनाएंगे, क्योंकि एक वृत्त का जिक्र है तो एक वृत्त बनाते हैं। तो वृत्त तो हम जो है फ्री हैंड स्केल से ही बना देते हैं, आप लोग जो है प्रकार से बना लीजिएगा। ठीक है, ये मान के चलिए कि एक एक वृत्त है। ठीक है, ये आपका एक वृत्त हो गया। ठीक है, ये आपका दूसरा वृत्त बनाते हैं। ठीक है, थोड़ा सा ये, ठीक है, ये वृत्त हो गया। और ए बी जो है एक रेखाखंड, इसको ओ मानते हैं, केंद्र को ओ मान लेते हैं। और ए बी एक जो है व्यास खींच देते हैं, ए बी व्यास हो गया। ओ बिंदु का निर्देशांक दिया हुआ है कितना, तो यहाँ पे देखिए केंद्र, तो केंद्र का निर्देशांक यहाँ पे देखिए 2 - 3 दिया हुआ है, तो यहाँ पे 2 - 3 लिख लेते हैं। ठीक है, और ए का निर्देशांक हम लोगों को ज्ञात करना है, तो ए का निर्देशांक हम मान लेते हैं कि x1 है और y1 है। ठीक है, और b का निर्देशांक दे रखा है, तो b का निर्देशांक दिया हुआ है यहाँ पे देखिए, b के निर्देशांक 1 और 4 है, तो 1, 4 है। ठीक है, तो इसको हम लोग जो है x2 और y2 मान लेते हैं। ठीक है, सूत्र में काम आएगा। ठीक है, अब यहाँ देखिए, आप लोगों को पता होगा कि व्यास जो होता है केंद्र जो होता है व्यास को मध्य से विभाजित करता है। तो मध्य के विभाजन सूत्र से हम लोग मध्य बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करने के जो है सूत्र से, मतलब मध्य बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करने के सूत्र से ही हम लोग ए का मान ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि मध्य बिंदु हम लोग को प्राप्त है। ठीक है, तो मध्य बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करने के सूत्र से हम लोग ए और ए का मान ज्ञात कर सकते हैं, ए का निर्देशांक ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, आइए इसको देख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो है हम लिखेंगे यहाँ पे कि माना क्या है, वो जो है वृत्त का केंद्र होता ही होता है, केंद्र ए और बी को जो है समद्विभाजित करेगा ही करेगा। तो यहाँ हम लिखेंगे चूंकि वृत्त का केंद्र क्या है, तो ओ है और इसका निर्देशांक 2 - 3 है। ठीक है, केंद्र ओ है और इसका निर्देशांक दिया हुआ है। ठीक है, और जो है और क्या है, तो ए बिंदु का निर्देशांक हम लोग मान लेते हैं, माना ए का निर्देशांक क्या है, तो x1 और y1 है। ठीक है, तो अब जो है अब यहाँ पे लिखेंगे हम लोग कि और बी का भी जो है दिखा देते हैं, और बी का निर्देशांक क्या है, तो 1 और 4 है। ठीक है, 1, 4 है। ठीक है, ये जो है सब कुछ दिखा दिया हमने। ठीक है, अब देखिए बी को हम लोग जो है दिखा देंगे x2 और y2 से। ठीक है, और इसको x1 और y1 मान ही लिया है। ठीक है, और इसको जो है x और y मानते हैं, क्योंकि इसी का निर्देशांक हम लोग मध्य बिंदु में निकालते हैं। तो x बराबर लिखते हैं x1 - x2/2 लिखते हैं ना। तो अब यहाँ पे अब हम लोग लिखेंगे क्या, यहाँ पे लिखेंगे चूंकि ओ जो है क्या है, तो ए बी का जो है मध्य बिंदु होगा, यानी कि केंद्र है, ए बी का केंद्र ओ है, तो इसलिए जो है वो क्या करेगा, ओ बिंदु क्या करेगा, तो रेखा या ओ बिंदु जो है के ओ बिंदु रेखा ए बी को क्या करेगा,
सम द्विभाजित करेगा, सम द्विभाजित करेगा, करेगा करेगा ना, करेगा। तो ये जो है मध्य बिंदु हो जाएगा, सम द्विभाजित करेगा तो सम द्विभाजित को बराबर भागों में बांटेगा तो ये हो जाएगा मध्य बिंदु O। तो मध्य बिंदु का निर्देशांक के सूत्र से इसको हम लोग ज्ञात करेंगे। तो मध्य बिंदु के निर्देशांक के सूत्र से डायरेक्ट भी हम निकाल सकते थे, लेकिन इतना लिखना जरूरी है सूत्र से। यहाँ x बराबर लिखते हैं हम लोग क्या, x1 प्लस में x2 अपान में 2 होता है, ठीक है। और y बराबर होता है y1 प्लस में y2 अपान में 2 होता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे x की वैल्यू हम लोगों को प्राप्त है, यही ना, ज्ञात करने के लिए x का जो है x बराबर लिखते हैं। तो x की वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ है 2, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग 2 लिखेंगे x बराबर, और यहाँ पे x1, तो x1 का मान जो है x1 ही रखेंगे क्योंकि यही ज्ञात करना है। और x2 का मान जो है हम लोग यहाँ से ले लेंगे, ठीक है, या x2 का मान यहाँ से भी ले सकते हैं, ठीक है। तो x2 के जगह पे 1 है तो यहाँ पे 1 लिख देंगे, अब बट्टे में जो है 2 कर देंगे, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं तो 2 दुना क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब बराबर में जो है क्या हो जाएगा, x1 और प्लस में जो है x केवल 1 हो जाएगा, x1 और प्लस में 1 हो जाएगा, 2 इधर आ जाएगा, तो 2 दुना 4 हो गया है, ठीक है। तो अब जो है 1 को भी इधर लाएंगे बराबर के इधर, तो 4 में से 1 घटेगा बराबर हो जाएगा x1, ठीक है। तो 4 में से घटाएंगे तो हो जाएगा 3 बराबर x1, यानी कि x1 की वैल्यू प्राप्त हो गया 3, ठीक है। अब y की जो है, अब y बराबर जो है, अब y1 का इससे ज्ञात कर लेंगे, तो y बराबर जो है क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए y बराबर माइनस में 3 हो जाएगा, ठीक है। y बराबर माइनस में 3, यहाँ पे देखिए हम लोग ने माना भी है, तो y का मान माइनस में 3 हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे माइनस में 3 बराबर क्या हो जाएगा, y1 तो y1 ही रहेगा, प्लस में y2 का मान जो है यहाँ से ले लेंगे हम लोग 4, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा 4, अब बट्टे में हो जाएगा 2। अब 2 का जो है माइनस 3 से गुणा होगा तो माइनस में हो जाएगा 6, और ये हो जाएगा y1, अब प्लस में हो जाएगा 4। तो अब जो है प्लस 4 इधर आएगा बराबर के इधर, तो माइनस में 6 और माइनस में 4 हो जाएगा, अब बराबर y1 हो जाएगा, ठीक है। तो जो है माइनस में 6 और माइनस में 4 तो ये हो जाएगा 10 माइनस में, बराबर हो जाएगा y1, ठीक है। तो y1 की वैल्यू निकल गया माइनस में 10। तो इस प्रकार जो हम लोग a का जो है निर्देशांक निकाल दिए, क्या x1 का मान आया है 3 और y1 का आया है माइनस में 10। तो इस प्रकार जो हम यहाँ पे लिख सकते हैं, अतः a बिंदु का निर्देशांक, बिंदु का निर्देशांक क्या है, तो a बिंदु का निर्देशांक क्या है, तो जो है 3 और माइनस में 10। यहाँ ध्यान दीजिएगा कि हमेशा x को पहले लिखते हैं, y को बाद में लिखते हैं, ठीक है। ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब जो है क्वेश्चन नंबर 16 देख लेते हैं। अब यहाँ पे देखिए प्रश्न संख्या 16 है, उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं -3 -4 और 2 1 से भी खींचे गए रेखाखंड को 3 और 2 के अनुपात में, 3:2 के अनुपात में वाह्यतः विभाजित करता है, ठीक है ना, वाह्यतः विभाजित करता है, ठीक है। तो वाह्यतः विभाजन का सूत्र से जो है इसको सॉल्व कर लेंगे, सिंपल है, ठीक है। तो आइए देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पे लिख लेंगे हल, हल में लिखेंगे माना क्या, माना कि यहाँ पे देखिए इसको x1 मान लेंगे, इसको y1 मान लेंगे, इसको x2 मान लेंगे, इसको y2 मान लेंगे, ठीक है, और इसको m1 मान लेंगे और इसको m2 मान लेंगे। इसी बात को यहाँ पे हमने लिख दिया, माना x1 बराबर कितना है तो माइनस में 3 और y1 बराबर कितना है तो माइनस में 4, ठीक है। यहाँ पे x2 बराबर कितना है तो ये जो है x2 का मतलब 2 हो जाएगा, और y2 का मतलब कितना है तो y2 का मतलब 1 है, ठीक है। और यहाँ पे जो है हम मान लेंगे कि m1 बराबर कितना है 3 है, और m2 बराबर कितना है तो m2 का मान कितना है तो यहाँ पे देखिए m2 का मान 2 है, तो यहाँ पे 2 ले लेंगे, ठीक है भाई, m1 3, m2 2, ठीक है। यहाँ पे देखिए x1 -3, y1 -4, x2 2, यहाँ पे देखिए x2 2 है, और y2 1 है, तो 1, ठीक है। अब यहाँ जो है हम लिख देंगे वाह्यतः
वायता विभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक, वायता विभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक, बिंदु के निर्देशांक सूत्र से बराबर लिख देंगे, बराबर जो क्या होगा, तो सूत्र से यक्स बराबर क्या होगा, तो यक्स बराबर होता है यम वन यक्स टू, माइनस में देखिए इसमें माइनस हो जाता है, यम वन यक्स टू माइनस में यम टू यक्स वन हो जाता है, बटे में जो है क्या हो जाता है, तो यम वन माइनस में हो जाता है यम टू, ठीक है। और वाई के लिए जो है क्या हो जाता है, वाई के लिए मैंने जो देखिए मान लीजिए कि ये दो बिंदु हैं और इससे बाहर कोई बिंदु P है, तो ये जो है इनको जो है किस अनुपात में विभाजित कर रहा है, तो तीन संबंध है दो के, यही है ना भाई, एक बिंदु A है और ये B है और इसको जो है कोई इस रेखाखंड को कोई जो है C बिंदु है या P बिंदु है जो इसको जो है क्या तीन संबंध है दो के अनुपात में विभाजित कर रहा है, ठीक है। तो अब जो है यहाँ पर जो है अब हम लोग जो है P का निर्देशांक ज्ञात कर रहे हैं, तो P का निर्देशांक x और y ज्ञात करना है, तो यही x जो हम यहाँ पे ज्ञात कर रहे हैं, तो इस x का मान जो है निकालने के लिए m1 x2 माइनस में m2 x1 करते हैं, m1 माइनस में m2 करते हैं, y के लिए जो है क्या करते हैं, तो y के लिए यहाँ पे देखिए y के लिए y m1 और y2 माइनस में m2 और y1 हो जाता है, अब बट्टे में जो है क्या हो जाता है, तो m1 और माइनस में m2 हो जाता है, ठीक है। आप लोग कहेंगे कि जो है यहाँ पे देखिए ये सूत्र जो है कैसे जो है P बिंदु बाहर ही रहता है और इसको जो है किस अनुपात में कोई ना कोई अनुपात में विभाजित करता है, ठीक है ना, माने आप लोग कहेंगे कि A और B एक रेखाखंड है और इसको P कैसे विभाजित कर रहा है, ठीक है। तो P भाई A AB रेखाखंड आगे भी तो पढ़ा है, तो इस पर जो है कोई स्थित बिंदु P है जो इसको जो है कुछ ना कुछ अनुपात में विभाजित करेगा कि नहीं करेगा, तब भी विभाजित करेगा ना, तो इसीलिए जो है A मैंने इसका फिगर ऐसे ही होता है, ए भी कोई रेखाखंड है और इस पे कोई स्थित बिंदु कोई पी है, भाई ए रेखाखंड और आगे भी है, ठीक है ना, तो ये जो है पी है जो इसको जो विभाजित कर दे रहा है, क्या अब समझ लीजिए कि तीन संबंधित अनुपात में विभाजित कर दे रहा है, देखिए ये जो है क्या है, तो वाई विभाजन का सूत्र है, ठीक है, इसको प्राप्त किया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे जो है सूत्र में डायरेक्ट दिखा देते हैं आप लोगों को सूत्र का, तो यहाँ पे देखिए वाई विभाजन का सूत्र जो है पी के निर्देशांक क्या हो जाता है, तो यहाँ पे जो है पी के निर्देशांक क्या हो जाएगा, एम वन एक्स टू माइनस में एम टू एक्स वन अपान में एम वन माइनस एम टू हो जाता है, और यहाँ पे जो है वाई के लिए एम वन वाई टू माइनस में एम टू वाई वन अपान में एम वन माइनस में एम टू हो जाता है, ठीक है। तो पी बिंदु का निर्देशांक निकल जाता है, ठीक है ना, यानी कि एक्स और वाई निकल जाता है, ठीक है, ठीक है, इसी को वैकल्पिक विधि से जो है बनाया है, ठीक है। तो आप लोग जो है मतलब अगर विश्वास ना हो तो अब तो विश्वास कर लेना चाहिए, वाई विभाजन का सूत्र यही होगा, ठीक है, और पी बिंदु कैसे जो है इसको बाहर रह के भी विभाजित कर देता है, ठीक है। तो अब तो आप लोग भाई ये देख लीजिए साफ साफ किताब में बनाया हुआ है, और ये जो है ये पी बिंदु है, यहाँ पे देखिए पी एक्स वाई रेखाखंड ए ए बी का जो अनुपात एम वन और एम टू में वायता विभाजित करता है, दिया है ना, वाई तो विभाजित करता है, अर्थात बिंदु P, यहाँ पे देखिए P एक्स वाई, पी एक्स वाई बिंदु A एक्स वन और वाई वन और B एक्स टू और वाई टू के बाहर स्थित है, बाहर स्थित है ना ये बिंदु P, और इसी को जो है ज्ञात करने का ये सूत्र है, ठीक है, इसी को जो है ज्ञात करने का ये वाला सूत्र बना हुआ है, ये x के लिए होता है x बराबर और ये y के लिए होता है, ठीक है। तो इसी सूत्र से हम लोग ज्ञात कर रहे हैं, ठीक है। तो आ जाइए अपने अगले पेज पे, ठीक है। तो अब हम लोग जो इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो यहाँ पे जो अगर सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पे अगर सॉल्व करते हैं तो एम वन का मान भरेंगे तो एम वन का मान यहाँ पे तीन हो जाएगा, ठीक है, इन टू एक्स टू का मान भरेंगे तो एक्स टू का मान यहाँ पे देखिए दो हो जाएगा, तो यहाँ पे दो ले लेंगे, ठीक है, और माइनस है तो माइनस, फिर एम टू तो एम टू का मान दो हो जाएगा तो दो ले लेंगे, आई एक्स वन का मान कितना हो जाएगा तो माइनस में तीन, तो यहाँ पे माइनस में तीन ले लेंगे, ठीक है। अब बट्टे में जो है क्या हो जाएगा भाई, ये यहाँ पे गुणा है, ठीक है ना, बटे में जो है क्या हो जाएगा एम वन माइनस एम टू, तो एम वन का मान जो है तीन है, माइनस में एम टू का मान दो है, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा आगे देखते हैं, तो ये तीन दूना छः हो जाएगा, और माइनस माइनस का गुणा होगा आपस में, ठीक है ना, तो माइनस माइनस गुणा होगा प्लस हो जाएगा, और तीन दूना छः हो जाएगा, बटे में जो हो जाएगा
तीन में से दो हो जाएगा तो एक, तो एक क्या हो जाएगा, छः छः 12 और बट्टे में एक, तो 12 बट्टे एक का मतलब क्या हो गया 12, तो एक्स की वैल्यू निकल गया 12। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं डायरेक्ट, यहाँ पे यहाँ से समझिए यहाँ लिख दे रहे हैं, ठीक है ना, ये सॉल्यूशन है। तो एक्स बराबर कितना हो जाएगा 12, ठीक है। अब वाई का जो है मान निकाल लेते हैं, तो वाई का मान निकालने के लिए यहाँ मान भरेंगे, तो एम वन का मान क्या है 3 है इंटू वाई टू, तो वाई टू का मान जो है कितना है, तो यहाँ पे देखिए वाई टू का मान 1 है, तो यहाँ पे जो है हम भर देंगे 1। अब माइनस में जो है क्या है, तो एम टू, तो एम टू का मान 2 है इंटू वाई वन, तो वाई वन का मान माइनस में 4 है, तो माइनस में 4 ले लेंगे, बट्टे में जो है 3 माइनस 2 ले लेंगे, क्योंकि एम वन का मान 3 है एम टू का मान 2 है, ठीक है। अब इसके आगे सॉल्व करेंगे तो 1 का 3 में गुणा करेंगे 3 हो जाएगा, और माइनस माइनस का गुणा होगा तो प्लस में हो जाएगा 4 दूनी 8, और बट्टे में जो है क्या हो जाएगा 3 में से 2 जा 1, तो 8 3 11, और बट्टे में 1 बराबर हो जाएगा 11, ठीक है। तो ये हो जाएगा 11। तो इस प्रकार एक्स का जो है बराबर, एक्स का जो है वैल्यू 12 हो जाएगा, और वाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी 11। तो इस प्रकार किसका निर्देशांक, पी का निर्देशांक कितना हो गया 12 और 11, 12 और 11, ठीक है। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग लिख देंगे कि अतः पी का निर्देशांक, अतः पी का निर्देशांक कितना हो जाएगा 12 11, ठीक है, आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आशा करते हैं कि यह सवाल आप लोग को समझ में आ गया होगा, और सवाल समझ में आता है तो आप लोग अगर मनोहरे के संपूर्ण मैथ को जो है सॉल्व करना चाहते हैं तो इस चैनल को जो है सब्सक्राइब कर सकते हैं, प्रत्येक सवाल हम बताएंगे, ठीक है, और परीक्षा के पीरियड तक जो है पूरा बता देना है हमको। और देखिए फ्रेंड्स, अगर 95 से जो है 90 से ऊपर लाना है तो आप लोग जो है इस चैनल के माध्यम से पढ़ाई कीजिए, और जो हम विश्वास दिलाते हैं कि 90 से ऊपर मैथ में आ जाएगा, ठीक है। तो जो है आप लोग इसको जो है, अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, पढ़ाना हमारा अच्छा लगे तो, ठीक है, और जो है जो भी वीडियो है उसको जो है आप लोग पूरा देखा कीजिए, ठीक है। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।